अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आगे नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि नाब साहब कुंटा तेगल कुंटे के पास से है। पता नहीं गर्मी का मौसम तो नहीं है, मौसम बड़ा ही सर्द है, लेकिन बावजूद इसके आग लगने के वाकये क्यों पेश आ रहे हैं पता नहीं। तेगल कुंटे के एक मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने की वजह शॉक सर्किट बताई गई है, तो आइए वहाँ के नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। बुला लेंगे उनसे, ले लीजिए, वो घर पे भी जा दिया। टीवी खाओ, टीवी फ्रीज पूरा। देखो तुम अंदर रहो, रह के हमको बताओ क्या क्या सामान लिया क्या नहीं, आप बताओ। पुलिस वाले है बेटा, हाँ कूलर है जी, मोहम्मद हारून है नाम मेरा, तिगल गुंडे में घर है मेरा। 3 बजे आँच लग गई शॉर्ट सर्किट से, घर में कोई भी नहीं थे, खाली एक लेडीज़ थी। लेडीज़ थे इनके, वो लेडीज़ बुझाने की कोशिश करे नहीं बुझा सके बेचारे। आखिरी में बस्ती के बच्चे पूरे आए, अड़ोस पड़ोस से पानी लिए, बोर का पानी लेके आँच बुझाए, लेकिन इतना सामान जल गया है बेचारों का, बहुत सामान, कोई सामान बचा ही नहीं उनका। अलमारी में पैसे थे, 1 लाख रुपये पैसे थे, पैसे भी जल गए सुने, कुछ चीज़ें पिघल गए पूरे, सामान स्टील का सामान सिल्वर का सामान पूरा जल गया, फर्नीचर जल गया, टीवी कूलर सब पूरे चीज़ें जल गए बेचारों के, पूरे टीन दीवारों के पूरे खिपले निकल गए, दीवारा भी काम नहीं आते, वैसे अदर हो गए। कम से कम भी बोल रहे तो 20 लाख के करीब का वो हुआ उनका, पूरे घर को मिला के सुने, कोई चीज़ नहीं है, आंख को पहनने कपड़ा नहीं है बेचारों के, सुने पूरा ख़त्म हो गया। अब वो क्या हुआ कि वो लाइट के बोर्ड में से कुछ चिंगारी निकली, बोर्ड में से निकल के कुछ पलंग पे गिर गई थी, कहते फर्नीचर था, बाजू था, बस वहाँ से पकड़ लिया। बेचारे बुझाने करे लेकिन नहीं हुआ, बढ़ गई आंच तो कुछ कुछ भी नहीं हुआ। माली नुकसान बहुत होगा, जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, अकेले थे लेडीज, बस्ती के बच्चे आए, बहुत मेहनत करे, अल्लाह पाक बच्चों को भी अच्छा रखे जो वक्त पे आ गए। अब गवर्नमेंट से ही आंस रखेंगे, और किससे रख सकते हैं, गवर्नमेंट ही अगर बेचारों की मदद करे तो बेहतर है। MLA साहब भी से भी बात करें, MLA साहब भी बोले ठीक है, देखेंगे जो भी है, इमारों से बात करके जो भी है दिलाएंगे बोल के बोले। शुक्रिया जी। अपने अपनों को खुशियाँ बांटिए, मोहम्मदिया मंदी हाउस पर चले आइए, मंदी खाइए और दोस्तों को खिलाइए, अरबी डिशेस का मजा तो मोहम्मदिया मंदी हाउस पर मिलता है, जहाँ पर फैमिली के लिए अलहदा इंतजाम, दोस्त अहबाब के लिए अलग एहतमाम किया गया है, पसंद आपकी पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद।